शिमोगा असेंबली हलके की सियासत को लेकर हर वक्त नया मोड़ पैदा हो रहा है। कभी कौन बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कभी यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ हो रही बगावत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरिंग इतना जेडीएस से टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली के बी प्रसन्ना कुमार आज जेडीएस की हाईकमान से मुलाकात करने बेंगलुरु पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने कुमार स्वामी से मुलाकात करते हुए जेडीएस की टिकट का मुतालबा किया था। हालांकि उन्हें आज शाम तक टिकट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन उस जेडीएस की सियासत में उस वक्त नया मोड़ पैदा हुआ जब जेडीएस के हाईकमान ने के बी प्रसन्ना कुमार को टिकट ना देते हुए अयनूर मंजुनाथ को टिकट देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के एमएलसी अयनूर मंजुनाथ अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और जेडीएस में शमूलियत इख्तियार करते हुए शिमोगा असेंबली हलके के लिए जेडीएस से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं दूसरी जानिब के बी प्रसन्ना कुमार के जेडीएस को शामिल होने के इम्कान को देखते हुए कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान कांग्रेस से अपना नाता तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे और कई लोगों ने के बी प्रसन्ना कुमार की पसपर्दा तायद करने का भी फैसला किया था। इन हालात में के बी प्रसन्ना कुमार को टिकट ना मिलने की वजह से इन कारकुनों और लीडरों को शदीद झटका पहुंचा है। हालांकि इंतखाबात होने अभी बाकी हैं, लेकिन इस दरमियान कौन किस तरह से सियासी रुख इख्तियार करेगा और कौन किस किस का साथ देगा, ये अभी पर्दे से बाहर निकलने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज़, शिमोगा।